अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुमताज न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हूर फातिमा। आप देख रहे हैं मुमताज न्यूज HD चैनल। आज की अहम खबर शामिल करते हैं। सऊदी अरब अमारात से ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर कादर की रिपोर्ट के मुताबिक मदीना मुनव्वरा वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा के हवाई अड्डे पर मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने किफायतशुमारी का मुजाहरा करते हुए सऊदी अरब दौरे के लिए कमर्शियल फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में आम आवाम के साथ सफर किया। सफर के दौरान आवाम से मिले। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ रमजान मुबारक के आखिरी अयाम में 6 से 8 अप्रैल 2024 तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मनसब संभालने के बाद वजीर आजम का यह पहला गैर मुल्की दौरा होगा। वजीर खारजा उमूर वफाकी वजीर खजाना मसलात वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर और वफाकी वजीर इत्तला'आत और नशरियात भी वजीर आजम के हमराह होंगे। वजीर आजम ने उमरा की सादत हासिल करेंगे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज अदा करेंगे। वजीर आजम की सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम HRH मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात मुतवक्का है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं, जिनकी बुनियाद मजहबी और सकाफती वाबस्तगी पर हैं। पाकिस्तान के अवाम खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के लिए इंतहाई एहतराम रखते हैं। दोनों ममालिक की क्यादत बरादराना ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फायदा मंद बनाने के लिए पुरअज़म है।